क्लास मेरा नाम है बुरा और आज हम लोग शुरू करने वाला हम लोगों का पहला प्रैक्टिकल। तो आपका पहला प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से है कि आपको अपना नेम 10 टाइम प्रिंट करवाना है GW बेसिक पे। ये प्रैक्टिकल एक तरह से देखा जाए तो हमने क्लास 7 में भी किया है, 6 में भी किया है और हम लोग 8 में भी कर रहे हैं। इवन अगर देखा जाए आगे जाके तो ये आप 9 में भी ये प्रैक्टिकल करेंगे। ये प्रैक्टिकल दो तरह से हो सकता है, एक हमारा फॉर लूप से और दूसरा हमारा इफ एंड एल्स लूप से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे फॉर लूप से। ये जो आपके पास स्क्रीन दिखाई दे रही है ब्लैक रंग की और उस पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास बेसिक GW बेसिक की स्क्रीन होती है। ये मैंने सॉफ्टवेयर मौजूद है PC बेसिक का, और आपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे एक CLS, क्योंकि हम लोगों को क्लियर स्क्रीन करनी है, हम लोग प्रैक्टिकल शुरू से करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने CLS लिख के इंटर किया। फिर आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं, आगे हम ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग किस से हो। 7th क्लास में एक चैप्टर होता है हमारा GW बेसिक का, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें हम बताया जाता है कि दो तरह से हम लोग GW बेसिक पे कमांड लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट मोड में एक इनडायरेक्ट मोड में। जैसे कि मैंने लिखा CLS और इंटर किया, क्लियर स्क्रीन हो गई, तो ये हमारा डायरेक्ट मोड है। अगर इनडायरेक्ट मोड में काम करते हैं तो हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हम लोग नंबरिंग डाल के काम करते हैं और 10-10 का डिफरेंस रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 10 पे लिखा है CLS। CLS का मतलब जब भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ स्क्रीन क्लियर हो जाए और कुछ ना आए। 20 पर लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट की कमांड लिख दी ऊपर ताकि हेडिंग आ जाए, प्रिंट माय नेम प्रिंट, ये मैं जरा प्रिंट माय नेम 10 टाइम्स। अब ऊपर वाली जो लाइन मैंने लिखी है प्रिंट की, वो आपको सिर्फ शो करवाने के लिए लिखी है कि इस तरह की हेडिंग आ सकती है, वरना अगर नहीं भी लिखें 20 वाली लाइन तो इससे कोई इशू नहीं है। उससे हमारी प्रोग्रामिंग पे फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ता है। अब जो 30 पे लाइन लिख रहा हूँ मैं, वो हम लोगों की मेन लाइन है फॉर। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे तो एन लें चाहे तो ए लें, मैं यहाँ पे एन ले लेता हूँ। फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 to 10, यानी एन की वैल्यू चले हमारी 1 से लेकर 10 बार तक, और हर बार हमारा लूप चलता रहे। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा जो काम हमने एग्जीक्यूशन के लिए दिया 10 बार ना हो जाए। अब हम लोग काम क्या दे रहे हैं वो देखें। हम लोग काम दे रहे हैं कि प्रिंट करना है मुझे मेरा नाम, और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो अपना नाम प्रिंट किया गा। प्रिंट की कमांड में जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा वो हमारे पास एडजेस्टेड आ जाएगा। तो प्रिंट लिख दिया बुरैर, फिर 50 पे मैंने लिख दिया इस चीज़ को एंड, कि यहाँ मेरा प्रोग्राम एंड हो जाए। लेकिन एक चीज़ की कमी है, मसला ये है कि अगर हमने n इजिकल्स टू 1 लिखा है तो n इजिकल्स टू 10 तक नहीं जा सकता जब तक हम लोग n में इंक्रीमेंट ना करेंगे, n को आगे नहीं बढ़ाएं। तो हम लोग लिख देते हैं एक कमांड नेक्स्ट n। ये किस लिए? जब भी आपका फॉर लूप लगेगा तो आप लोग एक कमांड लिखेंगे नेक्स्ट n, ताकि आपका फॉर लूप आगे बढ़ सके। और 60 पे हमने कर दिया है एंड, ये हमने एंड कर दिया, F2 दबाया, ये चीज़ हमारे पास रन हो गई, अपना नाम आ गया 10 टाइम। अगर हमें F1 दबाएंगे एंटर करें तो हमारी सोर्स कोड आ जाएगा। ये आपका छोटा सा प्रैक्टिकल है, अगर आप चाहें तो ये चीज़ इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें आपको आगे तो काम आएगी। अगर आपको कंप्यूटर साइड जाना है या नहीं भी जाना, तो एटलीस्ट आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और साथ बात ये भी है कि 9 में ही प्रैक्टिकल अब तो GW बेसिक के ही आ रहे हैं, और पहले से GW बेसिक चलते ही आ रहे हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको खुद ब खुद ही आएगी। दोबारा रन करके देखते हैं, दोबारा रन कर लिए। अगर मुझे नाम कोई और लिखना है या एक से ज़्यादा नाम लिखना है तो मैं कॉमा दे के दूसरा नाम भी लिख सकता हूँ, असद लिख दिया, ओके। और मुझे अगर 1 से 10 की जगह 20 बार करना है तो मैंने 20 लिख दिया। शुरू से मैं इसमें दबाता आ रहा हूँ इंटर, ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, और यहाँ पर मैंने रन किया, अब असद बुरैर दो बार नाम आ गया। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। उम्मीद है प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगले प्रैक्टिकल की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।